वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्रेजेंट फॉर्म। मैं हूं आजम और आज हम एशिया के ओर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले सिक्स जो हमारे मतलब नॉर्थ एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउदर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, इसमें कौन कौन सी कंट्री आते हैं। फिर और हम देखेंगे आज जो हमारा कंटिनेंट जो हमारा एशिया है ये किन किन और कंटिनेंट्स के साथ अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। आज हम देखेंगे जैसे ये अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे यूरोप के साथ मतलब अपना जो बॉर्डर है शेयर करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आज हम देखेंगे कहां कहां पे, किसकी जगह पे कैसे ये बॉर्डर शेयर करते हैं और हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे और हम देखेंगे इन इसके जो कंट्रीज हमने 48 पढ़े थे इसमें जो हमने पहले हमने इसमें आपको बोला था फॉलो एक चार्ट मैंने बनाया है। इस चार्ट के जरिए से हम आराम से डीपली इस एशिया को देखेंगे ताकि आपके दिमाग में एक इमेज आ जाए है? जैसे कि हमारे पास नॉर्थ एशिया में जो है हमारे मैंने 1 2 3 4 5 6 मार्क कर दिया है ताकि जो हमारे पास फर्स्ट है वो रशिया जो है पूरा रशिया जो है वो फर्स्ट में आता है, एक ही कंट्री है। और फिर हमारे पास जो ईस्टर्न एशिया है सेकंड जो यहाँ पे है जो मंगोलिया जहां पे चाइना वाइना पड़ता है, अभी हम देखेंगे कितने कंट्री है, 5 प्लस ताइवान जो है, ताइवान यहाँ पे पड़ता है, ताइवान अब ये लोग यहाँ पे ताइवान है, ताइवान चाइना का जो पार्ट ही माना जाता है एक्चुअल में, तो इसलिए तो इसको कंट्री मतलब कोई अगर आप देखेंगे ना यूट्यूब मतलब आप अगर खुद चेक करोगे ना इंटरनेट से तो मैं आपको गारंटी दे के बोल रहा हूं कि आपको ये नहीं मिलेगा कि कहीं पे आपको 49 कंट्रीज मिलेंगे तो कहीं पे आपको 51 कंट्रीज मिलेंगे तो कहीं पे आपको मतलब डिफरेंट मिलेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है आपको मिलेगा। तो देखना तो जो हमारे पास यहाँ पे जो ये ताइवान है ये कहाँ कहाँ पे पड़ता है, ईस्टर्न एशिया में पड़ता है, ठीक। 5 जो है जो मतलब यूनियन जो यूएन मानता है, एक नहीं मानता है ताइवान। तो जो साउथ ईस्ट एशिया जो है थर्ड पे हमारा आता है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक। इसमें भी देखेंगे कितने कंट्री है, इसमें है 11 कंट्री है। फिर है साउथर्न एशिया, साउदर्न एशिया जो हमारे इंडिया भी बनता है साउदर्न एशिया में आता है, तो यहाँ पे कितने कंट्री है, 8 कंट्री है। इसके बाद आते हैं सेंट्रल एशिया पर, ये जो है कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, कर्जकिस्तान है कुछ है, ठीक। तो ये जो जॉर्निया है, अर्मानिया, ये जो है ये मतलब इसमें कितने कंट्री है, इसमें है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अर्मानिया वर्मानिया जो है इसमें आते हैं, अर्मानिया वर्मानिया आते हैं साउथ वेस्ट एशिया में। कितने कंट्री है उसमें, 18 है प्लस 1 है फलस्तीन। आइए देखते हैं, अब हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आपको रह गई ये मतलब ये दिमाग में ये इमेज। अब हम पढ़ते हैं और आगे देखते हैं इस बोर्ड की ओर। हमारे पास जो पहला है वो है नॉर्दर्न एशिया, मैंने आपको बताया था ये है नॉर्दर्न एशिया। देखो नॉर्दर्न एशिया में एक फर्स्ट मैंने जिसको मार्क किया था तो ये ही आता है, ये एशिया आता है। तो सेकंड में क्या है, ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया में हमें 5 कंट्रीज आते हैं प्लस 1 जो है वो ताइवान है, ठीक। अभी हम देखेंगे कौन से 5 कंट्रीज हैं। हमारे पास है चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान। देखो यहां पे हमारे पास है चाइना, ठीक, हमारे पास है चाइना, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया और जापान, ठीक। ये मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, ये जो 5 कंट्रियां हैं प्लस 1, यहां पे मैंने आपको बोला ताइवान जो है वो यहां पे मतलब चाइना की यहाँ ये जो है ये एरिया जो है ये ताइवान है, ठीक। यहां तक समझ आ गया, तो ये है हमारे पास ताइवान। तो ये जो 5 प्लस 1 कंट्रियां हैं ये कहां पे आते हैं, हमारे ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न एशिया में। इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है साउदर्न एशिया। देखो साउदर्न एशिया में क्या आते हैं, 11 कंट्रीज आते हैं। अब साउदर्न एशिया के जो इंडिया के इस साइड से आते हैं, इंडिया के हमारे अगर इंडिया देखा जाए तो इंडिया में आता है भूटान, तो इंडिया के बीच में जो आता है मतलब हम देखें तो वहां पे आता है हमारा बांग्लादेश। जो भूटान के जो हमारा इंडिया के पास से ही जो है, ठीक, तो वो कौन सा है, म्यांमार से, यहां से म्यांमार, थाईलैंड, लोस, अभी हम देखेंगे मैप से, आप टेंशन मत लो, म्यांमार, थाईलैंड, लोस, वैटमैन, वैटनाम, कैम्बोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ईस्ट टाइमूर
एंडोशिया फिलिपिन। आइए देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है। देखो ये हमारे पास है माइमर, ये रहा माइमर, ठीक। माइमर के पास ही वाटनामा वाक्टाइन क्या है, माइमर के पास मैंने लिखा है, माइवार के पास मैंने लिखा है थाईलैंड लोइस, ठीक। तो ये हाँ माइवार, ये हमारे पास है थाईलैंड, ये हमारे पास है लोइस, ये है वियतनाम, वियतनाम, ये हमारे पास है कंबोडिया, देखो ये हमारे पास है कंबोडिया, ठीक, ये हमारे पास है कंबोडिया, कंबोडिया के बाद क्या है मलेशिया, देखो ये हमारे पास ये पूरा जो है एरिया है मलेशिया, ये हमारे पास है ब्रुनेई, ठीक। तो ये मतलब ब्रुनेई है, ठीक, ईस्टर्न टाइमूर है, ठीक। इसके बाद क्या है ईस्टर्न टाइमूर के बाद है इंडोशिया, ये हमारे पास रहा क्या इंडोशिया, इंडोशिया के बाद हमारे पास आ गया फिलीपींस, तो ये हमारे पास आ गया फिलीपींस, ये हमारे पास आ गया फिलीपींस, हो गए ये कितनी कंट्रिया 11 कंट्रिया। तो प्लस अब हम देखेंगे साउदर्न एशिया, साउदर्न एशिया में क्या आता है हमारा इंडिया, इंडिया के पास ही जो है ना मतलब इंडिया के बॉर्डर जो हमने पढ़े थे ना वही इसमें आते हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। अब हम यहाँ पर भी देखेंगे कहाँ पे, देखो ये हमारे पास है इंडिया, इंडिया, ठीक। इंडिया के पास हमारे पास देखेंगे पाकिस्तान, ये हमारे पास आ गया अफगानिस्तान, ये हमारे पास आ गया नेपाल, ये हमारे पास आ गया भूटान, ये भूटान, ये हमारे पास आ गया बांग्लादेश, ये हमारे पास आ गया श्रीलंका, ये हमारे पास आ गया मालदीव। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं साउदर्न एशिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं साउदर्न एशिया। यहां तक क्लियर, अब देखते हैं आगे यहां तक 8 कंट्री, तो कितनी कंट्री आ गए 11 आगे ना 11 प्लस 1 16 प्लस 8 दैट इज 24 कंट्री। अब और आगे है सेंट्रल एशिया, देखो सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्री आते हैं 5 कंट्री आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कर्याजिकास्तान, ये कभी कभी भूल ही जाता है इसका नाम, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और क्या है इसका नाम कर्जाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो अब हम देखेंगे यही यही 5 कंट्रिया कहां गई, ये है देखो ये हमारे पास है कजाकिस्तान, ठीक, उज्बेकिस्तान, ठीक, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, ठीक, तुर्कमेनिस्तान, ठीक, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये हमारे पास है तजाकिस्तान, ये हमारे पास उज्बेकिस्तान या कराजिस्तान, ठीक, कराजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कराजिस्तान, तो ठीक, कजाकिस्तान, यह कजाकिस्तान, ठीक। तो देखो 18 अब जो हमारे पास है साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया में 18 प्लस 1 जो है वो फलस्तीन है। यहाँ पे 18 कंट्री में आपको दिखाऊं, देखो ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, इसराइल है, फलस्तीन है, यमन है, उमंग है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, सऊद अरबिया है, जॉर्जी है, अर्मानिया है, अज़रबैजान है, तुर्की है, लेबनान, सूर्या, साइप्रस। देखो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ना इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ईरान, देखो ये रहा ईरान, ईरान के बाद क्या है इराक, ये रहा इराक, इसके बाद है जॉर्डन, ये रहा जॉर्डन, इसके बाद है इसराइल, तो ये रहा इसराइल, दिख रहा है, ये रहा इसराइल, तो ये रहा इसराइल, इसके बाद क्या है इसराइल के बाद है फलस्तीन, तो यहीं पे जेरूसलम के बाद ही यहीं पे है क्या इसराइल, इसराइल के बाद है यमन, ठीक, ये रहा यमन, कहाँ रहा यमन, ठीक, ये है इसराइल, ये है लेबनान, ये है साइप्रस, ये है सीरिया, ठीक, ये है कुवैत, ठीक, ये है हमारे पास यूएई, ये है सऊदी, ये है सऊदी अरबिया, ये हमारे पास है यमन, ठीक, यमन, यमन के बाद उमंग, ये है उमंग, ये है यूएई, ये है कतर, ठीक, ये है कतर, तो कतर के बाद क्या है बहरीन, तो ये हमारे पास है बहरीन, बहरीन के बाद कुवैत, तो ये हमारे पास है कुवैत, इसके बाद मैंने क्या लिखा है सऊदी अरबिया, तो ये रहा सऊदी अरबिया, जॉर्जियो, तो ये हमारे पास है जॉर्जियो, ठीक, ये हमारे पास है जॉर्जिया यहीं पे, तो इसके बाद क्या है जॉर्जिया अर्मानिया, देखो यहां पे है जॉर्जिया, जॉर्जिया, तो ये रहा हमारे पास अर्मानिया, ये अर्मानिया के बाद अज़रबैजान, अज़रबैजान, ये रहा अज़रबैजान, इसके बाद है तुर्की, ये रहा तुर्की, इसके बाद लेबनान, यहीं पे है लेबनान, इसके बाद लेबनान के बाद सीरिया, तो यही सीरिया, सीरिया के बाद साइप्रस, तो ये रहा साइप्रस। ये जो है ये कितने हैं
ये जो है ये कितने रह गया, ये है हमारे पास 18+1 कंट्री। तो टोटल जो ये कंट्रिया है ये कितने कंट्री है हमारे पास, हमारे पास है 48 कंट्री। अब हम देखते हैं जो हमारा एशिया है, जो कंटिनेंट एशिया है, इसके हम देखेंगे क्या, मतलब इसकी देखेंगे बाउंड्रिया, मतलब कहाँ कहाँ पे ये मिलता है बाकी कंटिनेंट से। देखो पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम इस मैप के जरिए आपको अच्छे से समझेंगे। देखो पहले ही हमारे पास देखो कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ मतलब माउंटेन्स है वो इस मैप पे नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे मैप पे आपको कई बार माउंटेन्स नहीं दिख रहे होंगे, तो कुछ कुछ चीजें जो है वो नहीं दिख रहे होंगे, तो जो जो है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो मेरे पास मतलब उस टाइप का अभी वो मटेरियल नहीं है ताकि मैं आपकी मतलब विजुअल इमेज दिखाऊं, ताकि मैं जो ये दिखाना था ये मैं एक्चुअल में अगर मेरे पास मतलब कुछ प्रोजेक्ट कुछ होता ना प्रोजेक्ट, तो मैं आपको अच्छे से मतलब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, फिर भी मैं समझाने की अच्छे से आपको कोशिश करूंगा इस पर, इसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा जितना हो सके इतना करूंगा। ठीक है, देखो एशिया अफ्रीका जो हमारे पास बाउंड्री है ये कहां पे है, जो हमारे एशिया है अफ्रीका के साथ कहां पे मिलते हैं, पहले हम देखेंगे कहां पे है एशिया। देखो ये हमारे पास है एशिया, ये जो कंटिनेंट है क्या ये कंटिनेंट है अफ्रीका और एशिया। देखो यहां पे मिलता है, दिख रहा है ना, यहाँ पे मिलता है आराम से, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मिलता है, यहीं पे जो है रेड सी, गल्फ ऑफ सूज और सूज किनार। अभी हम देखेंगे ये क्या है, रेड सी, गल्फ ऑफ सूज एंड सूज किनार, तीन जगहों पे मिलते हैं। इसके अलावा जो इजिप्ट है वो ट्रांस कन्वेंशनल कंट्री है, जो किसके साथ विद द सीनिया पेनिनसुला इन एशिया और अफ्रीका के पार्ट से जुड़ते हैं। कुछ भी मतलब जो इजिप्ट है वो कुछ थोड़ा सा एशिया के साथ जुड़ता है, कुछ अफ्रीका के साथ जुड़ता है। और अगर आप नेट से करोगे सर्च टोटल नंबर ऑफ कंट्री है, तो मैंने आपको बताया था 51 भी मिलते हैं आपको, 49 भी मिलता है, कभी कभी 47 भी मिलता है आपको। तो वहां पर किसी किसी जगह पे इंटरनेट में आपको इजिप्ट भी मिलेगा, क्योंकि इजिप्ट का थोड़ा सा पार्ट कहां पे है एशिया में, और बाकी जो है देखो यहाँ पे इजिप्ट में आपको दिखाऊंगा, इसको मैं अच्छे से मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये है स्यूज किनार, अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पहले जो हमारे पास जो ये दोनों है ना, देखो ये हमारे पास रहा ये हमारे पास रहा एशिया, तो ये हमारे पास रहा अफ्रीका। देखो ये जो है ना यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये जो है ये रेड सी है, ठीक। अब जो ये किनाल है ना यहाँ पर, जो ये किनाल है ना, अब ये जो किनाल है ना, मैं क्या करूँ, अब जो ये हमारे पास आपको समझाने के लिए, ये जो किनाल है ना, ये किनाल, इसको हम बोलते हैं क्या किनाल, इसी को हम बोलते हैं स्यूज किनाल, क्या बोलते हैं स्यूज किनाल। अब जो ये जो है ना ये पार्ट, ये पोर्शन जो है ना, इस पोर्शन को हम बोलते हैं गल्फ ऑफ स्यूज, क्या बोलते हैं गल्फ ऑफ स्यूज के लिए। अब जो ये है ना, ये है इजिप्ट, जो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ये दिख रहा है, ये जो है ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट का पार्ट है, जो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ये क्या है, ये है हमारा एशिया, ये क्या है, ये है अफ्रीका। यहाँ जो है इस जगह पर गल्फ ऑफ स्यूज है, ठीक। ये जो है ये स्यूज किनाल है, यहाँ पर यह है गल्फ ऑफ स्यूज, ये दो जगहों पर गल्फ ऑफ स्यूज है, और ये जो है ये पार्ट है इजिप्ट का, जो इसके साथ मिलता है। ये जो है ये हमारे पास रह गया रेड सी, ये हमारे पास रह गया रेड सी। तो यहां तक क्लियर। तो अब देखते हैं एशिया और यूरोप। देखो एशिया और यूरोप की क्या मैं बात करूं, पहले मैंने बताया था यूरेशिया, पहले लेक्चर में हमने देखा था यूरेशिया जो है लैंड मास है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। देखो बहुत सारी कंट्री यहाँ पे जुड़ते हैं, देखो यूरल माउंटेन्स हमारे पास है, यूरल माउंटेन्स यहीं पे मतलब यहाँ पे जो है यूरल माउंटेन्स रशिया के साथ जो रशिया और यूरोप के साथ जो मतलब माउंटेन्स जो अपनी बाउंड्री बनाते हैं, इनको यूरल माउंटेन्स बोलते हैं, इससे भी मिलते हैं एशिया और यूरोप की बाउंड्री। कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सी आपको मैं अभी बताऊंगा, कैस्पियन सी है और काकस माउंटेन्स हैं और ब्लैक सी है, ठीक। ब्लैक सी कहाँ पे पड़ता है, इसी इसराइल के बीच, इसराइल जॉर्डन वाहिनी पे पड़ता है, यहाँ पे जो ये ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक सी भी दिया हुआ है, हाँ
यहाँ पर ब्लैक सी दिया हुआ है, ठीक। कैस्पियन सी, ब्लैक सी भी दिया हुआ है, यह मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक। कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, यूरल मोटेन है, क्या क्या माउंटेन्स है, और कंट्रिया जो है वो कौन कौन सा है, रशिया है, कजाकिस्तान है, तुर्की है, जॉर्निया है, अजरबैजान है, ये यूरेशिया बनाते हैं, ये एक ही कंटिनेंट में आते हैं, एक ही प्लेट्स में आते हैं, कौन, एशिया और यूरोप, ठीक। तो अभी देखते हैं, पहले आपको यहाँ पे बताऊंगा, देखो हमारे पास क्या क्या मैंने बताया था, कैस्पियन सी, ये रहा हमारे पास कैस्पियन सी, ये जो है, ये जो एरिया है ये हमारे पास है कैस्पियन सी, ये जो है ये हमारे पास रह गया ब्लैक सी, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं यूरल माउंटेन्स, ये जो एरिया है ना इसको बोलते हैं यूरल माउंटेन्स, ठीक। तो ये है हमारे पास कैस्पियन सी, ये हमारे पास है ब्लैक सी, ठीक, क्लियर। तो कंट्रिया जो है वो मैंने आपको बताया था अजरबैजान, ये जो है, या एक मैप लेके रखना अपने पास वर्ल्ड का, तो वहां पे आराम से समझ आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया ऑस्ट्रेलिया आपको पता है, यहाँ पे आइलैंड, ठीक, आइलैंड जो है इंडिया, जो यहाँ पे आइलैंड, एशिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो आइलैंड है, एशिया ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री कहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे इंडो एशिया जो है, इंडो एशिया ओशिनिया मतलब मोलोकस आइलैंड जो है वर्ल्ड के, मतलब बड़ा बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, तो जो कौन बनाता है, इंडो एशिया, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ही मिलता है विथ किस से, इसे इसे पापा न्यू गनी, पापा न्यू गनी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे है। देखो ये हमारे पास, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ना, ये इंडो एशिया का पोर्शन है, ये इंडो एशिया कहाँ में आता है, किस में आता है, ये आता है एशिया में। अब जो ये है ना पापाई न्यू गनी, पापाई न्यू गनी किस में आता है, ये आता है इस ऑस्ट्रेलिया में, इस ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में ये आ गए, यहाँ पे उसकी बॉर्डर मिलते हैं, एशिया की बॉर्डर किससे मिलती है, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ तक हो गया, क्लियर। इसके बाद एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, देखो नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे पड़ता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है, ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है हमारे पास रशिया, ये नॉर्थ अमेरिका ना, ऐसी बात नहीं है, देखो ये मैप है, मैप जो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ये बनेगा, देखो, ठीक। तो इसीलिए ग्लोब ने यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ ग्लोब, तो ये जो है ना, देखो यहाँ पे आपको समझा जाएगा, ये जो है ना, ये पोर्शन यहाँ पे मैं आप समझाऊंगा आपको, एशिया और नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री, बियरिंग स्ट्रेट एंड बियरिंग सी, आपको मैं अभी सिखाऊंगा ये बियरिंग स्ट्रेट, बियरिंग सी, देखो ये जो हमारे पास है ना, ये है बियरिंग सी, ठीक, ये जो है ये बियरिंग सी है, अब ये जो है ये हमारे पास है बियरिंग स्ट्रेट, ये जो है ये हमारे पास है बियरिंग स्ट्रेट, आ रहा है समझ, ये हमारे पास बियरिंग स्ट्रेट, ये हमारे पास बियरिंग सी, अब ये जो है ये दोनों सेपरेट करते हैं, ये जो हमारा पार्ट है ये है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, ये जो पार्ट है ये रशिया है, तो रशिया किस में आते हैं, ये आते हैं एशिया में, देखो यहाँ पे जो है इसी में जो है एक है डोमाइड आइलैंड है, एक जो बिग डोमाइड आइलैंड है वो रशिया के साथ है, जो स्मॉल डोमाइड आइलैंड है वो किसके साथ है, ठीक, वो किसके साथ हैं, वो यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिका के साथ है, तो यहाँ तक क्लियर, मतलब ये हमारे पास बाउंड्रीज हैं, तो बिग डोमेन जो है रशिया के साथ है, सो ये जो बाउंड्री है स्मॉल डोमेन जो है नॉर्थ अमेरिका के साथ था, तो ये हमने पढ़ा है आज, मतलब एशिया और अफ्रीका की जो बाउंड्री है किसके साथ मिलते हैं, और हमने देखे कितनी कंट्री है, 48 + 2 यानी 50 कंट्री अभी देखे हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब हम बात करेंगे सीज एंड ओशंस, यानी सीज आपको आप ओशंस या ओशन मैंने बताया, ओशंस मतलब ओशंस मैंने बताया तीन ही ओशंस है, एक है आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, जो इस हमारे जो अफ्रीका है इसको क्या करते हैं, इसको बॉन्ड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो पढ़ेंगे हम सीज के मुताबिक कितने सीज हैं, थोड़ा सा मतलब माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ताकि मतलब अगले लेक्चर में, तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सुटी प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।